नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। कंपनी भारत सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड एक्ट स्कीम एक्ट 2019 बना करके बैन कर दी है। और ये एक्ट ये कहता है कि जो जमा करता है उसका पैसा स्टेट वापस करेगा, 180 दिन करेगा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगा। सरकार ने कंपनी और सोसाइटी तो बंद कर दी लेकिन पैसा वापस नहीं कर रही है। नियम ये है कि हर ज़िले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। कानून ये कहता है हर ज़िले में एक सक्षम अधिकारी होगा जो आवेदन आमंत्रित करेगा जनता से। यदि आपके साथ कोई ठगी की घटना हुई है तो आप मेरे यहाँ आवेदन करें, मैं आपका भुगतान करूँगा। लेकिन आवेदन आमंत्रित करना तो बड़ी बात है, यहाँ आवेदन अधिकारी नहीं बैठा हुआ है दौसा में जिसके यहाँ आवेदन करें। अभी ADM साहब से बात हुई हमारी, कलेक्टर साहब तो मिले नहीं, उनको ज्ञापन दिया है तो उनकी नॉलेज इस विषय में शून्य थी। उनको नहीं पता कुछ भी कि इस तरह का कोई कानून है, इस तरह का कोई जो है आवेदन के लिए स्पेशल विंडो ओपन करनी है, इस तरह के मैटर्स को रजिस्टर्ड करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजना है, इनका पेमेंट कराना है हमें, इस तरह की दिक्कतें पूरे देश भर में, राजस्थान में खासतौर से। हमारी मांग है कि हर ज़िले में जैसा कि इस कानून का प्रोविजन है एक विंडो ओपन की जाए, स्पेशल काउंटर खोला जाए, ठगी पीड़ितों के वहाँ आवेदन लिए जाएँ, उस पर प्रोसीडिंग हो जैसा ये कानून कहता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैटर चले और उनकी जमा राशि वापस मिले। तो सकती है जिले में 5 घंटे। मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का संयोजक, दिल्ली से आया हूँ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत। यहाँ ठगी पीड़ित जमा बताइए साहब, बता दो सुनी ना है मैंने यही बात थी जो बोल रहा हूँ भाई साहब को जो बताई है। नहीं भाई, क्या हुआ, आगे क्या करना है हमको? कोई बात ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। विसर्जन साहब, आगे क्या करना है, क्या हुआ? आगे आप लोगों से एक निवेदन है कि ये जो अपनी मुहिम चल रही है, इस मुहिम का यही है, ये जो अपनी मीटिंग चल रही है, इन्हें वर्ड्स एक्ट कानून के तहत पैसा लेने के लिए आपको और हमको सबको जनमत तैयार करना है। और उस जनमत का मतलब है जैसे आप और हम लोग यहाँ आए, ऐसे आप सब लोगों को 31 जुलाई को सबको दिल्ली चलना है। 31 जुलाई को दिल्ली के अंदर राजस्थान की जनता, राजस्थान के पीड़ित लोग इतने जाएं कि वहां बैठी हुई उस केंद्र सरकार को ये पता लगे कि राजस्थान में भी इन चिटफंड कंपनियों ने कितना लूटा है। इसलिए आप सबसे एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है, सबको अगली मुहिम, आपकी अगली जो मीटिंग है वो दिल्ली 31 जुलाई को चलना है। 31 जुलाई को रामलीला मैदान बुक हो गया है, संस्थापक महोदय उस कार्य में लगे हुए हैं और वहाँ हमें मोदी सरकार को ये दिखाना है कि हमारे भारत देश के 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं आपकी सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के द्वारा, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया है। इन चिटफंड कंपनियों को आप और हम नहीं खोल सकते, लेकिन यदि यही सरकार हमें लाइसेंस देती है तो हम खोलते हैं। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने लाइसेंस दिया है और इन महाठगों ने इन चिटफंड कंपनियों को खोला है, तो उनमें हमारी जो मेहनत की रकम डूबी हुई है। अभी ये भाई साहब ने कहा है कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या है, तो अगला कार्यक्रम यही है कि आप लोग अपना जनमत तैयार करें और जनमत इतना तैयार करें, पहले भुगतान और फिर मतदान का जो जनमत है उसको गांव तक ले जाएं, घर तक ले जाएं और उस प्रत्येक पीड़ित जमाकर्ता तक ले जाएं जिसका पैसा इन कंपनियों में डूबा हुआ है। क्योंकि ये जब तक सरकार, जब तक हमारा इस वर्ड्स एक्ट कानून के तहत भुगतान नहीं करेगी, तब तक आपकी हमारा ये जो वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष का मतलब है कि जमाकर्ता का पैसा डूब गया वो केवल कार्यकर्ता से कहता है, कार्यकर्ता ने उसको कंपनी में दे दिया वो किससे जाकर कहे, आप बताइए। वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को मदन लाल जी बनाइए, अपने आप के पैसे के लिए लड़िए, यही मेरा आप लोगों से कहना है। और 31 जुलाई की मुहिम के लिए आप सबको दिल्ली चलना है और जब तक काउंट नहीं खुले तब तक मतदान नहीं करना है, मतदान का बहिष्कार करना है। अरे भाइयों, मतदान का बहिष्कार करना जब तक काम नेताजी का एक ही कहना है कि अब की बार हमारी एक ही मांग है, इन चिटफंड कंपनियों से चाहे किसी भी नाम की होगी उनका पैसा हमें दिलाइए, हम आपको वोट देंगे। और जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो BJP सरकार हो, चाहे कोई और आप पार्टी हो, हम किसी को भुगतान नहीं, मतदान करने के लिए नहीं जाएंगे। सीधा ही मतदान का बहिष्कार होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में होगा, ना हम मत देंगे ना किसी को मत देने देंगे। यही आप सबका जनमत तैयार करना है, इसी के लिए पूरे भारत भ्रमण पे माननीय मदन सर चल रहे हैं।
धन्यवाद। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ।